दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, जैसा कि सर्वर डाउन वाला इशू चल रहा है, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इसके बारे में क्या कहा है, इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, इसको लेकर के जो एग्जाम डेट घोषित की गई है, क्या उस डेट पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होगा, ये सब जो है सबका डिटेल जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, वीडियो छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिले। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग आज का जो है आर्टिकल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 1.70 लाख पद के लिए आवेदन के 5 दिन शेष, अभ्यर्थी परेशान। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लूट बढ़ा तो सर्वर हुआ डाउन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बीपीएससी अध्यक्ष बोले अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या, इसलिए परेशानी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि शुरू में कम आवेदन आ रहे थे, अब आवेदन बहुत बढ़ा है, इसलिए सर्वर पर लोड है। अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सर्वर डाउन होने से समय का नुकसान होने की स्थिति में ही जितना समय सर्वर डाउन रहा उतना समय ही कंपनेस्ट करेंगे, निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे साफ साफ इनके द्वारा जो बताया गया है कि जो एग्जाम डेट घोषित की गई है उसी डेट पर ही एग्जाम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब तक जो है 2.5 लाख आवेदन, 3 दिन पहले संख्या जो है 1.32 लाख थी। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से जो है आवेदन बढ़ा है, ठीक है। अगला जो आप लोग देख पा रहे होंगे, राज्य की सबसे बड़ी वैकेंसी, 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में 5 दिन शेष हैं, आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर डाउन हो गया है, इससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है। बीपीएससी को भी इस संबंध में शिकायत मिल रही है, अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो इसके लिए आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। सर्वर डाउन रहने के कारण अभ्यर्थियों को कंपनसेट करने पर विचार भी हो रहा है, सर्वर की स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आवेदन की तिथि बढ़ भी सकती है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि दोस्तों, अगर ये जो है इसको लेकर के काफ़ी परेशान है अभ्यर्थी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को जो अपडेट किया था, उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो है अभी भी सर्वर डाउन चल रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसा कई दिनों तक चलता है तो जो 12 को लास्ट डेट है इसकी, तो इसकी डेट जो है एक्सटेंड होगी, बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे साफ साफ इनके द्वारा जो है बताया गया है, पर जो है परीक्षा की तिथि प्रभावित नहीं होगी, यानी इसके लिए जो है डेट एक्सटेंड जो है एप्लीकेशन फॉर्म की तो दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम डेट पर जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये पहले से निर्धारित तिथि पर ही होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि देर रात आवेदन करने की स्थिति में सर्वर पर लोड कम होगा और आवेदन में परेशानी नहीं होगी, साथ ही सुबह के समय भी आवेदन करने की स्थिति में सर्वर पर लोड कम रहता है। तो यहाँ पे साफ साफ इनके द्वारा बताया गया है कि रात में या फिर मॉर्निंग टाइम में जो है आप आवेदन करेंगे। और दोस्तों ये सही है कि आप जो है अगर मॉर्निंग टाइम में, जैसे 2 के बाद और 5 के बीच में अगर मॉर्निंग टाइम में करेंगे तो आराम से जो है आपका हो जाएगा फॉर्म फिलअप। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी जो अपना खुद से कर रहे हैं, अपने मोबाइल से कर रहे हैं, अपने थ्रू कर रहे हैं, तो वो खुद से कर लेंगे, मगर जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, साइबर कैफे वगैरह पर जा रहे हैं, तो रात में तो वो लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे साफ साफ इनके द्वारा बताया गया है कि रात में या मॉर्निंग टाइम में करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम डेट के बारे में देखिए दिया गया है, 24 से 27 अगस्त तक होगी परीक्षा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 24, 25, 26 व 27 अगस्त को 2 पाली में होगी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 और 10 और 11 व 12 के शिक्षक के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। संबंधित विषय के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। तो इसमें साफ साफ एग्जाम डेट को लेकर के बताया गया है, जो सर्वर डाउन वाली प्रॉब्लम थी वो भी बताया गया है। सारी चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बता दी गई हैं। बाकी काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे इसको लेकर के, तो दोस्तों आपका जो ये डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा, जबकि आपके एग्जाम जो डेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है, यानी सर्वर डाउन वाले इशू जो है वो अभी ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो इनके द्वारा जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन एग्जाम डेट पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें साफ साफ जो है मेंशन किया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पर, आपको हर पल की अपडेट टाइम पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।